नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे और एक्सपर्ट का क्या कहना है और कोरोना के केसेस को लगातार ध्यान में रखते हुए यहां पर एग्जाम कब हो सकते हैं, इस चीज़ को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है। तो टोटल वीडियो आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच करना है। सबसे पहले बात करता हूँ कि एक्सपर्ट ने यहाँ पर क्या बताया है, क्या यहाँ पर राय दी है। दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक कहना यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही कम एज के हैं, मतलब कि न्यू यंगर एज के हैं, जो 18 से 20 तक के लगभग में हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय साइकोलॉजिक मेंटल प्रेशर में है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक हैं और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं और होंगे या नहीं होंगे। और ज़्यादा परेशानी का कारण ये भी है कि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास स्टूडेंट से, किसी की फैमिली में किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट है जो पूरे डिपेंड है स्टूडेंट से भी कि 12th पास होने के बाद कुछ जॉब करेगा जिससे घर की कंडीशन ठीक होगी। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का सजेशन ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइकोलॉजिक तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट प्रेशर में है, क्योंकि किसी न किसी के घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है, किसी के रिलेटिव में कोरोना पॉजिटिव हुआ है और कोरोना के इतने सारे केसेस लगातार के बावजूद भी यहाँ पर CBSE की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्टडी को लेकर समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं पढ़ाई करना चाहिए। अगर वो पढ़ाई करने बैठता भी है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में टेंशन रहती है कि यार ये कोरोना के केसेस यहाँ पर, मेरे पापा का कोरोना है, मेरे भाई का कोरोना है, ये मेरे रिलेटिव में है, किसी न किसी के यहाँ पर कोरोना का पॉजिटिव है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स पर और मेंटलिटी पर। तो एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कोरोना के केसेस हैं ये जुलाई में ख़त्म होंगे, मतलब कि जुलाई में इसका जो ग्राफ है वो डाउन जाएगा, तो कोरोना के केसेस वो होंगे जुलाई में कम होंगे। और यहाँ पर CBSE की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि CBSE की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 जून को हम यहाँ पर मीटिंग के तहत हम बता देंगे कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो पोस्टपोन यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है क्लास 12th के, तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इस बात को लेकर दोस्तों बने रहना चैनल में, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसे ही आपको लेकर इस चीज़ को लेकर खबर निकल कर आएगी हम आपको चैनल पर जरूर प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।